हे, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? ओ नो, ये क्या हो गया? ये ठीक रहेगा। हेलो। हे, हेलो। यस। मुझे कोई जरूरी काम पड़ गया है, इसलिए मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा। ओ ठीक है। ओ, क्या हुआ मामा? तुम्हारे पिताजी आज घर पे नहीं आ रहे, उनको कोई जरूरी काम पड़ गया है। ओ मामा, क्या मैं पापा का बर्गर खा लूं? हाँ खा लो। ओ ये बर्गर। हे, मुझे भी खाने दो। बच्चों चलो चले, हमें बाजार से कुछ जरूरी सामान लाना है। ओके मामा। पिंकी जल्दी करो, देखो मौसम खराब हो रहा है, हम बाजार के लिए लेट हो जाएंगे, हमें वापस भी आना है। मैं आज घर पे रहूंगी। क्या सच में? हाँ सच में। ओ ओके, अपना ध्यान रखना। चलो छोटी हम चलते हैं। ये कितना अच्छा है। मामा, छोटी मामा, मामा, ओ नो, घर पे कोई नहीं है। मगर कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूँ। पिंकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो घर पे अकेली होने के कारण थोड़ी घबराई हुई है। ओ नो। छोटी। यस मामा। लगता है जल्दी ही बारिश शुरू होने वाली है, हमें जल्दी ही घर जाना चाहिए। ठीक है मामा, जल्दी से चलते हैं। हम कितने लगी हैं? हम पूरे समय पर पहुंच गए, बारिश अभी ही शुरू हुई है। बिल्कुल ठीक कहा मामा आपने। हम समय पर ही पहुंच गए। मामा, मामा दीदी कहाँ है? दीदी दिखाई नहीं दे रही। पिंकी, 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 कहाँ हो तुम? पिंकी, पिंकी, अरे ये तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई? मामा, 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 मामा जल्दी से ऊपर आओ। ठीक है अभी आ रही हूँ। हे छोटी, क्या तुमने कहीं पिंकी को देखा? मामा, मामा उधर देखो। पिंकी, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? हैं? मामा, 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 आप आ गए। पिंकी, क्या हुआ? मुझे अकेले में डर लग रहा था। अच्छा अभी डरने की कोई बात नहीं, मैं यहीं पर हूँ। दीदी दीदी आप कितने ज्यादा डरपोक हो। ठीक है ठीक है, जब मैं अगली बार बाहर जाऊंगी तुम भी मेरे साथ चलना। ओके मामा। दीदी ये देखो, मैं आपके लिए कितना प्यारा गिफ्ट लाई हूँ। ओह थैंक्स, मगर अगली बार मेरा मजाक बिल्कुल मत उड़ाना। ओके ओके दीदी, कभी नहीं उड़ाऊंगी। ए बच्चों, मैं घर वापिस आ गया। माफ करना मुझे आने में थोड़ा समय लग गया, मगर कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए कुछ प्रेजेंट आया हूँ। डैडी मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम सबको बहुत मिस किया। ये देखो बच्चों, तुम दोनों के लिए स्पेशल पिज्जा। पिंकी को हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डीके टॉयज।